गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एज यू ऑल नो दैट यहाँ पर हम जब आए आज तक किसके लिए आए थे, क्लास 12 बायोलॉजी. और आज जिस बैच को हमने शुरू किया था आज उनकी विदाई है. और इसी तरह हम भी जब स्कूल लाइफ में थे तो हमारी विदाई हुई. तो तब तो सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन तब मैंने अपने फीलिंग्स के लिए कुछ लिखा था और आज उस फीलिंग्स को आप लोग के बीच बोलने जा रहा हूं. ये क्लास 12 के लिए एक खास था जो कि मैंने लिखा है. ठीक है. कुछ यादों का पहरा होने लगा है दिल की दुनिया में, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं उन बंद कमरों में. स्कूल को छोड़ने पे नम होने लगे हैं निगाहें यहाँ मेरी. उन यादों की किताबें अब नहीं मिल रही हैं दिल की दुकान में. बहुत मुश्किल से संभाला था खुद को मैंने राहों पे, अब घुजने लगी है दोस्तों की वो बातें इन कानों में. मर से गए हैं हम इन दूर होने से इन लम्हातों से. शायद ही फिर वो दिन आए वो क्लास के, शायद ही मिल पाए वो दोस्त उस क्लास में. शायद फिर से हम हिस्सा लगाए एक ही लंच बॉक्स में. शायद फिर से हम तंग कर पाए सर को उसी क्लास में. शायद फिर हम खुली रख पाए आंखें उन प्रेयरों में. शायद फिर हम भूल जाए होमवर्क. दोस्त वो याद रहे, टीचर वो याद रहे, क्लास वो याद रहे, लंच वो याद रहे, लड़कों लड़कियों के वो नोक झोंक भी याद रहे, दीवारों पे लिखे वो निशान भी याद रहे, पर ये सब तो सिर्फ याद है. एक ये तो मैंने अपने लिए लिखा था जब हम लोग क्लास 12 में थे तो हम लोग की विदाई नहीं हुई थी उसके लिए लिखा था. एक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक एक के एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. अब मैं उसे बोलने जा रहा हूँ. इसका इसमें एक एक बच्चे हैं जो क्लास 12 के हैं जिनसे हम जुड़े हुए. ये क्लास 12 मेरा क्लास ऐसा बैच है जो मुझसे एक एक बच्चे ऐसे इमोशनली जुड़े हुए कि हम एक एक बच्चे के एक एक इमोशंस को जानते हैं कि वो कब क्या सोच रहे हैं, कैसे रह रहे हैं. बच्चों का ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको हम बस शब्दों में लिखे हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास 12 की बात. क्या क्या देखना और समझना पड़ता है. किसी के गुस्से को प्यार देना पड़ता है तो उसके अकड़ को भी सहना पड़ता है, और तो और उसके बाद भी खुद को बुरा सुनना पड़ता है. तो किसी की चंचल सी मुस्कान में बस खोने का दिल करने लगता है. क्या क्या देखना और सहना पड़ता है. किसी का नम्र स्वभाव दिल जीत लेता है तो किसी का घमंड और अहंकार मन में मन हमें निराश कर देता है. तो किसी का काबिल ना होना जैसे वो तो हमारे साहस को तोड़ देता है. तो किसी के सीखने की इच्छा मन में नई रोशनी और चाह ला देती है. जी करता है दिल में सब कुछ उसको जो ऐसी भावना से पढ़ना चाहता है. क्या क्या देखना और सहना पड़ता है. कोई वक्त की अहमियत समझता तो कोई जल्दी से आगे बढ़ता, कोई खुद में ही इतना उलझा रहता मानो जैसे वो जिंदगी में भागता ही रहता, तो कोई सब शांत होकर सुनता रहता. क्या क्या देखना और सहना पड़ता है. कोई खुशी खुशी रोज आता और चला जाता तो कोई रोज ऐसे आता जैसे उसे यहाँ का कुछ नहीं भाता. हर रोज नया सा रुख दिखता है, उनकी बचकानी हरकतें मुझे हंसाती हैं, उनकी गलती में मुझे ही दुख होता है, मुझे तो जैसे रोज ये नया सा लगता है. क्या क्या देखना और सहना पड़ता है. सबके रूठने में मनाना और समझाना पड़ता है. जिंदगी भी बड़ी अजीब सी है, कुछ ऐसा रिश्ता ला देती है कि जैसे जो हमें इतना पसंद आता हमें उसी से दूर होना पड़ता है. आखिर एक टीचर जो है न जाने और क्या क्या देखना और सहना पड़ता है. और अब हम बच्चों के वो हर एक छोटे छोटे डायलॉग्स बोलने जा रहे हैं जो बच्चे हम लोग के लिए बोलते थे. क्लास 12 वालों के लिए स्पेशली है. तो इसमें जो बच्चे हैं हम लोग पे हमेशा कमेंट करते रहते थे, अरे सर जी रुकिए ना बता रहे हैं, वक्त सर जी ना रहा है, सर जी आएगा बता देंगे. अरे बता तो दीजिए क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं है सर जी, बस आपको ही लगता है. सर जी आगे, अरे अगवा पढ़ा दीजिए सर जी. सर जी हो गया सर जी, अरे अरे पढ़े थे भूल गया भूल गया. रुकिए बता रहे हैं सर जी, नहीं याद आ रहा है. अरे रुक जाइए रुक जाइए. अच्छा ठीक है मार लीजिए ना, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे. सुन नहीं रहा, बहुत बनते हैं अपने आपको पता नहीं क्या. सर जी पढ़ाएंगे, बताइए पहले पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे. कुछ ना बताएंगे ना बताएंगे, नहीं बताएंगे ना, नहीं सुनेंगे.
नहीं सुनेंगे ना, ठीक है मत सुनिए। सर जी ना मन ले, सर जी अच्छे है ना, सर जी आप बहुत अच्छे हैं, हमारे अच्छे सर जी है, मत पढ़ाइए। सर जी सर जी सर जी सुनेंगे बक, ना सुन रहे हैं। कहा जाने अगवा बतियाते रहते हैं, पता नहीं क्या पीछे हम लोग को पूछते ही नहीं है। तो ऐसे हैं आपके असली सर, दैट्स ऑल।